हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, एग्जाम बार की एरर पर सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स, सारे कंडीशंस और सारे रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी और पेन को लेके बैठे और एडिशनल फैक्ट्स जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलें और उनका बार बार रिविजन करते हुए इस लॉकडाउन का पूरा पूरा यूज करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है बीइंग पार्ट ए अ रेनी डे पार्ट बी आई कुड नॉट गो आउट पार्ट सी और नो एरर पार्ट डी। दोस्तों, ये बड़ा ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, फैमिलियर क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। अब इसमें क्या एरर है दोस्तों? अब इतना हमने पढ़ा बीइंग अ रेनी डे I could not go out। तो देखो, सब्जेक्ट अपना यहां पर मिला, क्या मिला? I could not go out, ये helping verb और main verb, modal verb और main verb हो गए। Out बिल्कुल ठीक, part C बिल्कुल ठीक है। अब क्या part A गलत है या part B गलत है? अब दोस्तों, इस part में subject missing है, subject है ही नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा अलग है और ये बात अलग है। तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें अभी भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों, इसकी जो एरर बनेगी वो बनेगी पार्ट ए की, और यहां पर एरर क्या होगी, इस प्लेस पर हमें इट राइट करना पड़ेगा। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। कहने का मतलब, रेनी डे होने के कारण मैं बाहर नहीं जा पाया। तो आई थिंक दोस्तों, आपको इस सेंटेंस की एरर समझ में आई होगी, क्योंकि जब तक हमने इट नहीं यूज किया था, इट नहीं लगाया था, तब तक इस पार्ट का सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए हमें इट लगाना पड़ा और सेंटेंस सही हुआ। तो जो राइट आंसर निकला वो निकला ए, और ए में क्या हमें दिक्कत थी वो भी पता लगी। तो आई थिंक दोस्तों, बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन द विजिटर्स लॉस्ट पार्ट ए देयर वे एंड वंडर्ड पार्ट बी डेज एंड नाइट्स दे फेल्ट लिटिल टायर्ड पार्ट सी नो एरर पार्ट डी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पार्ट ए बी सी या डी क्या आंसर निकलता है। तो दोस्तों, अब यहां से हम लोग हर एक कंडीशन को समझते हुए चलेंगे। थोड़ा स्पेस लेने के लिए मैं यहां से स्पेस ले लेता हूं ताकि मैं फैक्ट्स को यहां पर डिस्कस कर पाऊं। दोस्तों, जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत व्हेन या इफ से करेंगे तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस बनेगा और उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट में रखेंगे, बट ये कभी भी फ्यूचर में नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? ये कभी भी फ्यूचर में नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब हम व्हेन या इफ से सेंटेंस को शुरुआत करेंगे वो फ्यूचर में नहीं जाएगा, वो प्रेजेंट में हो सकता है, वो पास्ट में हो सकता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर हमने कहा व्हेन, शुरुआत इससे कर दी, द विजिटर्स, सब्जेक्ट अपना क्या बना? सब्जेक्ट बना द विजिटर्स। तो दोस्तों, सब्जेक्ट अपना कैसा है? जरूर है, इस बात को आप ध्यान रखना। और वर्ब क्या है? लॉस्ट। दोस्तों, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना या भूल जाना। तो व्हेन द विजिटर्स लॉस्ट, जब विजिटर्स ने खो दिया या भूल गए, क्या भूल गए? देयर वे, मींस अपने रास्ते को। देयर वे का मतलब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया और क्या है? अपने रास्ते को। मींस व्हेन द विजिटर्स लॉस्ट देयर वे एंड वांडर्ड, और घूमते रहे। तो यहां तक जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि जब विजिटर्स अपना रास्ता भूल गए और घूमते रहे, कैसे घूमते रहे? डेज एंड नाइट्स, रात दिन या दिन रात घूमते रहे, इधर उधर दिन रात घूमते रहे। तब अब दोस्तों, व्हेन या इफ से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसके साथ में एक बात और आपको बताने वाला था, और वो बात है
इस केस में जो अब हम लोग ये कॉमा प्लेस करते हैं, जो हमने यहां पर कॉमा प्लेस किया है, इसका मतलब होता है देन, आई मीन तब। बट जब भी हम एरर डिटेक्शन का पोर्शन करते हैं तो एरर के पोर्शन में पंक्चुएशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात हमने अलग कर ली है और ये सेंटेंस अलग है, इसको हमने देन आई मीन कॉमा से कनेक्ट किया है, तो इसे हमें अलग चेक करना है और इसे हमें अलग चेक करना है। तो हमने इसको चेक किया था, इसमें हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं मिली, बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। दे फेल्ट लिटिल टायर्ड, दे फेल्ट लिटिल टायर्ड। दोस्तों अब यहां पर एक वर्ड है लिटिल, क्या वर्ड है दोस्तों? लिटिल वर्ड है। इससे जुड़ी हुई कंडीशन हम आपको बताते हैं। दोस्तों लिटिल और फ्यू दोनों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। लिटिल लिटिल और अगला इसी का पेयर है अ लिटिल, और फिर द लिटिल। दोस्तों जैसे हम लिटिल को यूज करते हैं, सिमिलरली वैसे ही फ्यू को भी यूज करते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। दोस्तों दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको हम जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो ऑलवेज प्लुरल होता है। तो कहने का मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को हमेशा प्लुरल वर्ड के साथ यूज करेंगे, प्लुरल नाउन के साथ यूज करेंगे, प्लुरल प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे। और जो लिटिल है, इस लिटिल को हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन, कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस हुआ, ये अनकाउंटेबल के साथ और ये काउंटेबल के साथ, इतना दोनों में बेसिक डिफरेंस है और बाकी दोनों का यूज सेम है। अब जरा हम इनकी कंडीशंस को देख लेते हैं। दोस्तों लिटिल और इधर था फ्यू, ये दोनों वर्ड नेगेटिव है। कैसे है? दोनों नेगेटिव है, और जब हम लिटिल या फ्यू को सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ऐसा कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों खुद में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा, इनका मतलब होता है ना के बराबर। और आ लिटिल और दा लिटिल, आ फ्यू और दा फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, ये चारों वर्ड्स पॉजिटिव हैं। ये चारों वर्ड कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इनके साथ हम डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसका तो डिफरेंस हमने कर लिया, अब इनका डिफरेंस बचा है। दोस्तों ये सिर्फ पॉजिटिव बात करता है और द लिटिल पॉजिटिव के साथ साथ होल अमाउंट की बात करता है, जितना अपने पास है उस सब की बात करता है द लिटिल। तो अब दोस्तों यहां पे जो हमें दिक्कत समझ में आई, तो दिक्कत क्या है? अब विजिटर्स रात दिन घूमे हैं, और जब कोई रात दिन घूमेगा तो वो ना के बराबर नहीं थकेगा, वो थक जाएगा, मतलब इतना थक जाएगा कि उसको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी अगर कोई रात दिन घूमेगा। तो इस प्लेस पर हमें लिटिल नहीं क्या यूज करना पड़ेगा, इस प्लेस पर हमें यूज करना पड़ेगा आ लिटिल। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? आ लिटिल हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें पार्ट सी में लिटिल से पहले ए इंसर्ट करना पड़ेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर निकला है वो निकला है सी। क्यों निकला है ये बात अभी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, और देखते हैं यहां से क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, आर वेरी सीरियस। तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या निकल के आता है, पार्ट ए बी सी डी। द क्रिमिनल सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट क्या दोस्तों? द क्रिमिनल। और विल क्या हुआ? मॉडल वर्ब, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर को कंसिडर किए बिना यूज होता है। तो
ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, ये प्लुरल के साथ भी यूज होता है। विल सर्टेनली, अब सर्टेनली एक ऐसा एडवर्ब है जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ये ऐसे एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होते हैं। ये कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले ही यूज होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बीच में हमने क्या यूज कर दिया गया, सर्टेनली यूज कर दिया। अब हमने देखा बी लगा है, क्या लगा है दोस्तों, बी, तो ये बन जाएगा विल बी। और हमको साफ साफ पता है, हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, विल, शैल, कैन, कुड, शैल, शुड, कोई भी मॉडल वर्ब एक्सेट्रा, ये जितने मॉडल वर्ब हैं इनके साथ अगर हम बी फॉर्म यूज कर देते हैं, वी वर्ड यूज कर देते हैं, तो अब इस केस में जो मेन वर्ब होता है वो होता है वी थ्री में, मींस थर्ड फॉर्म में होता है, और ये स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव का। किसका बन जाता है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। आई थिंक दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब विल बी, इसका मतलब जो वर्ब हमें यूज करना है वो थर्ड फॉर्म में यूज करना है, और हंग नो डाउट हमने थर्ड फॉर्म में ही लिखा है, बट वर्ड गलत है। वर्ड क्या है, वर्ड गलत है। अच्छा, वर्ड अगर गलत है तो क्यों गलत है और सही वर्ड क्या होगा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो राइट वर्ड है वो क्या है। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, हैंग के दो मीनिंग निकलते हैं इसके, अगर हम फॉर्म्स में डिवीजन करें तो दो बनते हैं। एक बनता है, देखो इसको हमने लिख दिया वी वन, और इसको हमने लिखा हंग, इसको लिखा वी टू, और हंग इसको भी लिखा हमने वी थ्री, और इधर लिखा हमने हैंग्ड और लिखा हमने हैंग्ड, ये वी टू और ये वी थ्री। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, दोस्तों हंग की, हैंग की ये फॉर्म्स हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, और ये फॉर्म्स हम लिविंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, लिविंग बींग के लिए यूज करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों अब आपको बात समझ में आई होगी, हम बात यहां पर लिविंग की कर रहे हैं, नॉन लिविंग की नहीं। अच्छा, नॉन लिविंग में हम क्या हैंग करते हैं, हमने पेग पर, आई मीन खूंटी पर कपड़े लटका दिए, तो हमने हंग किया, हंग यूज करेंगे हम। किसी भी, हमने बैग को लटका दिया, हंग यूज करेंगे। हमने रूम में फैन लटका दिया, हंग यूज करेंगे। आई मीन किसी भी नॉन लिविंग चीज को आप यूज कर रहे हैं, नॉन लिविंग चीज को लटका रहे हैं, तब आप हंग यूज करते हैं, और लिविंग थिंग को आप यूज कर रहे हैं, लिविंग थिंग को लटका रहे हैं, किसी भी जीवित प्राणी को लटका रहे हैं, तो आप हैंग्ड यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों क्रिमिनल्स हैं लिविंग बीइंग, और इनके लिए हम हंग नहीं क्या यूज करेंगे, हम लोग हैंग्ड यूज करेंगे, और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी, और राइट आंसर क्या है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो राइट आंसर बना वो क्या बना दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पर पार्ट बी नहीं लिखा है, ये पार्ट बी हम बना देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रॉब्लम हुई वो पार्ट बी में हुई, और बी में क्या प्रॉब्लम हुई, हैंग के, सॉरी हंग के प्लेस पर हमें हैंग्ड राइट करना है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आई थिंक दोस्तों यहां से इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं, क्या नई बात हमको सीखने को मिलती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर पार्ट ए टुडे एंड होप दैट पार्ट बी ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर पार्ट सी और नो एरर पार्ट डी। अब देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है। दोस्तों द पेशेंट हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने लिखा कंपैरेटिवली बेटर। अब दोस्तों
एक बात हमें यहां पर समझनी है, वो बात क्या है दोस्तों, जब भी हम वर्ड यूज करें कंपैरेटिवली, और एक और वर्ड है वो है फेयरली। दोस्तों जब हम कंपैरेटिवली और फेयरली वर्ड को यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इनके साथ आप ध्यान रखना ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होती है। कौन सी डिग्री यूज होती है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री ही यूज करते हैं, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद में तुलना कर देते हैं, तो इसके बाद में किसी तुलनात्मक किसी कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस में पार्ट ए में हमें बेटर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? गुड से, क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री है और इन दो वर्ड्स के साथ हम नेक्स्ट पॉजिटिव डिग्री ही यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इसको कहीं पर नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और 30 से क्या निकल के आता है वो भी देखते हैं, क्या सॉल्यूशन आता है, क्या आंसर आता है। डॉरी सिस्टम इज अ हीनियस ट्रेडिशन इन द सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। तो अब यहां से ए बी सी या डी क्या आंसर निकल के आता है देखते दोस्तों। दोस्तों अब यहां से एक वर्ड लिखा है हीनियस। दोस्तों हीनियस का मतलब होता है ऑडियस या जघन्य, जिसको हम बोलते हैं जघन्य, बड़ा ही जो जघन्य अपराध होता है, तो उसका मतलब होता है ऑडियस या फिर जघन्य। तो हीनियस का मतलब ये हुआ दोस्तों। अब इसके बाद में हम सेंटेंस को देख लेते हैं। अब सेंटेंस में क्या है दोस्तों? सेंटेंस में लिखा है डॉरी सिस्टम इज अ हीनियस ट्रेडिशन। अब यहां से हमने पढ़ना शुरू किया तो जब सब्जेक्ट मिला वो हमको मिला डॉरी सिस्टम, ये सब्जेक्ट मिला। सब्जेक्ट मिला सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा है? सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा ट्रेडिशन एक काउंटेबल नाउन है, कैसा है? काउंटेबल है, और साथ साथ में हमने इसको सिंगुलर यूज किया है, तो ऐसे नाउन के लिए आर्टिकल ए बनता है, तो हमने आर्टिकल ए भी लगा दिया। अब कैसा ट्रेडिशन है? हीनियस आई मीन जघन्य ट्रेडिशन है। तो यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बी पार्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा आपने? इन द सोसाइटी, सोसाइटी में, इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। अब दोस्तों यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है अब दा, सॉरी सोसाइटी से पहले हम दा नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट डेज में जो सोसाइटीज हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की सोसाइटी हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की सोसाइटी हो, चाहे वो अमीर सोसाइटी हो, चाहे वो मिडिल क्लास की सोसाइटी हो, और चाहे वो लोअर क्लास की सोसाइटी हो, सभी सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से अब इस लॉजिक से हमें यहां से द हटाना पड़ेगा और सिर्फ लिखना पड़ेगा सोसाइटी। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, और सी में क्या प्रॉब्लम है वो हमने समझी। तो सेंटेंस बनेगा डॉरी सिस्टम इज अ हीनियस ट्रेडिशन इन सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बाद में लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हमने पूछा लास्ट वीडियो पूछा था ही हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स इज बाउंड टू फेल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले सही जवाब दिया था वो निधि मैम ने दिया था, निधि गोयल मैम ने दिया था, और इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर डू नहीं, क्या यूज करना पड़ेगा हमें? इसके प्लेस पर डज यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। तो दोस्तों ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन और उसका आंसर, और अब आज के वीडियो का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर है, सॉरी इसका क्वेश्चन है ही इज पार्ट ए सफरिंग सफरिंग विद सफरिंग विद पार्ट
बी फीवर पार्ट सी और नो एरर पार्ट डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अपने कमेंट बॉक्स में देना है और ये क्लास आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।